और चलिए अब शुरुआत करते हैं ब्लास्ट खबरों का। बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर सीएम गहलोत गंभीर हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने आज बजट घोषणाओं को लेकर बैठक बुलाई। गहलोत ने ट्वीट कर समयबद्ध और सफल क्रियान्वयन का संकल्प दोहराया और कहा, आज शाम 6 बजे मुख्य सचिव और सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों एवं सचिवों के साथ सचिवालय में बैठक बुलाई है। सभी बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करना हमारा लक्ष्य है, जिसे हम पूरा करेंगे, क्योंकि बजट घोषणाएं तो हो चुकी हैं, लेकिन इन घोषणाओं को समय पर पूरा किया जाए और लोगों तक पहुँचाया जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री गहलोत, और इसीलिए बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर सीएम का ये गंभीर रुख नजर आया। मुख्यमंत्री गहलोत ने आज बजट घोषणाओं को लेकर बैठक बुलाई है। गहलोत ने ट्वीट कर समयबद्ध और सफल क्रियान्वयन को दोहराया, संकल्प उन्होंने ये दोहराया है और कहा है कि आज शाम 6 बजे मुख्य सचिव तथा सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों के साथ सचिवालय में बैठक बुलाई है। सभी बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करना हमारा लक्ष्य है, जिसे हम पूरा करेंगे। जम्मू कश्मीर में परिसीमन का मसौदा प्रस्ताव तैयार। आयोग ने प्रस्ताव पर 21 मार्च तक मांगी आपत्ति और सुझाव। लोकसभा को छोड़ केवल विधानसभा की 7 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव है। कुल सीटों में एसटी के लिए 9, एससी के लिए 7 सीटें रिजर्व हैं और इनमें जम्मू क्षेत्र में 13 और कश्मीर में 3 सीटें शामिल हैं। सीमांकन के बाद जम्मू कश्मीर में कुल विधानसभा सीटें हो जाएंगी 19। नब्बे सीटें होंगी और 90 सीटों में से 24 सीटें पीओके में हैं। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के प्रमुख सुशील चंद्रा का ये बयान और कहा उन्होंने कि एक ही केंद्र शासित प्रदेश माना जाएगा जम्मू एवं कश्मीर। कानून के अनुसार 4 मापदंडों के आधार पर होगा परिसीमन। सिर्फ जनसंख्या के आधार पर परिसीमन नहीं हो सकता है। परिसीमन में प्रदेश को 2 हिस्सों में बांटने का विचार नहीं है। 6 मई तक परिसीमन का कार्य पूरा हो जाएगा। आयोग ये काम पूरा कर लेगा। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं आयोग के अध्यक्ष सुशील चंद्रा। तो सुशील चंद्रा जो ये काम पूरा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जल्द ही ये काम पूरा भी हो जाएगा, क्योंकि परिसीमन की बात लंबे समय से चली आ रही थी और इसके लिए परिसीमन का कार्य भी शुरू हो गया था, यानी कि जो क्षेत्र हैं उनको लेकर। तो जम्मू कश्मीर में परिसीमन का मसौदा प्रस्ताव तैयार हो गया है। आयोग ने प्रस्ताव पर 21 मार्च तक मांगी आपत्ति और सुझाव। लोकसभा को छोड़ केवल विधानसभा की 7 सीटें बढ़ाने का ये प्रस्ताव है। कुल सीटों में एसटी के लिए 9 है तो एससी के लिए 7 सीटें रिजर्व हैं। इनमें जम्मू क्षेत्र में 13 और कश्मीर में 3 सीटें शामिल हैं। सीमांकन के बाद जम्मू कश्मीर में कुल विधानसभा सीटें 90 हो जाएंगी और इन 90 में से 24 सीटें पीओके में होंगी। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के प्रमुख सुशील चंद्रा का बयान और सुशील चंद्रा ने कहा कि एक ही केंद्र शासित प्रदेश माना जाएगा जम्मू एवं कश्मीर। कानून के अनुसार 4 मापदंडों के आधार पर परिसीमन होगा। सिर्फ जनसंख्या के आधार पर नहीं हो सकता परिसीमन। आगे बढ़ते हैं और ब्लास्ट खबरों का एक बार फिर से रुख करते हैं। सिब्बल ने कांग्रेस कार्य समिति के फैसले की आलोचना की। सीडब्ल्यूसी की बैठक के अगले दिन सिब्बल का बयान। इंडियन एक्सप्रेस में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का इंटरव्यू और कहा, गांधी परिवार को छोड़ देना चाहिए पार्टी की जिम्मेदारी। पिछले 8 वर्षों से शुतुरमुर्ग बना हुआ है पार्टी नेतृत्व, इससे लगातार कमजोर होती जा रही है कांग्रेस और किसी अन्य व्यक्ति को सौंपना चाहिए कांग्रेस का नेतृत्व। मैं चाहता हूं सबकी कांग्रेस, कुछ लोग चाहते हैं घर की कांग्रेस। कांग्रेस कार्य समिति से बाहर भी है पार्टी के नेता कार्यकर्ता और उनकी राय को भी महत्व देने की जरूरत है। ऐसा नहीं होने से कई बड़े नेता छोड़ चुके हैं कांग्रेस और पहले कांग्रेस में ही थे शरद पवार, ममता बनर्जी जैसे नेता। कांग्रेस को अपने तौर तरीके बदलने की जरूरत है। तो ये कहना है कपिल सिब्बल का और वो कहते हैं कि तौर तरीके बदलने की जरूरत है। पार्टी जो है वो सीडब्ल्यूसी से भी अलग है, उससे भी बाहर है। तो सिब्बल ने कांग्रेस कार्य समिति के फैसले की आलोचना की। सीडब्ल्यूसी की बैठक के अगले दिन सिब्बल का ये बयान आया। इंडियन एक्सप्रेस में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का ये इंटरव्यू और उन्होंने कहा, गांधी परिवार को छोड़ देना चाहिए पार्टी की जिम्मेदारी। पिछले 8 वर्षों से शुतुरमुर्ग बना हुआ है पार्टी नेतृत्व, इसे लगातार कमजोर होती जा रही है कांग्रेस, किसी अन्य व्यक्ति को सौंपना चाहिए कांग्रेस का नेतृत्व। मैं चाहता हूं सबकी कांग्रेस, कुछ लोग चाहते हैं कि घर की कांग्रेस।
कांग्रेस कार्य समिति से बाहर भी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं और उनकी राय को भी महत्व देने की जरूरत है। ऐसा नहीं होने से कई बड़े नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं। पहले कांग्रेस में ही थे शरद पवार, ममता बनर्जी जैसे नेता। कांग्रेस को अपने तौर तरीके बदलने की जरूरत है, ये कपिल सिब्बल जो इंटरव्यू में कहते हैं। प्रदेश में मार्च में ही गर्मी दिखाने लगी है अपने तेवर। पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों के ऊपर बने प्रति चक्रवाती तंत्र का असर, चक्रवाती तंत्र के असर से तापमान में उछाल का सिलसिला शुरू हो गया है। आज और कल दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हीट वेव की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार हीट वेव का सर्वाधिक असर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और जालौर जिले में देखने को मिलेगा। हालांकि इससे पहले सोमवार को ही दिखने लगा है इसका असर। दिन के तापमान में 102 डिग्री तक उछाल रहने के संकेत हैं, यानी कि कल भी असर देखने को मिला था और अभी लगातार गर्मी का असर तेज होता हुआ नजर आ रहा है। और प्रदेश में मार्च में ही गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी है। पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों के ऊपर बने प्रति चक्रवाती तंत्र का असर नजर आया है और चक्रवाती तंत्र के असर से तापमान में उछाल का सिलसिला शुरू है। आज और कल दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हीट वेव की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार हीट वेव का सर्वाधिक असर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और जालौर जिले में देखने को मिलेगा। हालांकि इससे पहले अगर सोमवार की बात करें तो दिखने लगा है इसका असर, सोमवार से इसका असर दिखने लगा। दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री तक उछाल रहने के संकेत हैं, यानी कि और तापमान अभी बढ़ेगा। बाहर आया रणथंभौर अभ्यारण की दीवार का जिन, भ्रष्टाचार की दीवार के मसले पर उलझे सत्ताधारी दल के दो दिग्गज। हां पक्ष लॉबी का बताया जा रहा है घटनाक्रम, जबकि मंत्री से उलझ पड़े उन्हीं की पार्टी के विधायक। इस दौरान बीच बचाव करना पड़ा एक वरिष्ठ मंत्री जी को। ये मसला वही है जो एक समय दानिश अब्रार ने उठाया था। मौके पर जाकर उन्होंने भ्रष्टाचार को पकड़ा था और आरोपी संबंधित अधिकारी पहुंच गए खंडार की सीमा में। हां पक्ष लॉबी में इस मसले पर अशोक बैरवा ने सुखराम बिश्नोई पर सवाल उठाए। बैरवा ने पूर्व वन मंत्री बिश्नोई पर मामले को दबाने के आरोप लगाए हैं और पूर्व वन मंत्री के समक्ष ही मौजूदा वन मंत्री हेमाराम चौधरी से किया आग्रह है भ्रष्टाचार की दबी जांच का सच सामने आए। इस मामले में बैरवा और सुखराम बिश्नोई के बीच छिड़ गई जुबानी जंग और आखिरकार वन मंत्री हेमाराम चौधरी के दखल से बहस पर विराम लगा। तो हेमाराम चौधरी जिन्होंने ये दखल दिया उसके बाद विराम लगा, लेकिन ये पूरा मामला रणथंभौर अभ्यारण की दीवार का, और कह सकते हैं कि बाहर आया है रणथंभौर अभ्यारण की दीवार का जिन, भ्रष्टाचार की दीवार के मसले पर उलझे सत्ताधारी दल के दो दिग्गज। हां पक्ष लॉबी का बताया जा रहा है ये घटनाक्रम, जब मंत्री से उलझ पड़े उन्हीं की पार्टी के विधायक और इस दौरान बीच बचाव करना पड़ा एक वरिष्ठ मंत्री जी को। ये मसला वही है जो एक समय दानिश अब्रार ने उठाया था। मौके पर जाकर उन्होंने भ्रष्टाचार को पकड़ा था। अब आरोपी संबंधित अधिकारी पहुंच गए खंडार की सीमा में। हां पक्ष लॉबी में इस मसले पर अशोक बैरवा ने सुखराम बिश्नोई पर सवाल उठाए। बैरवा ने पूर्व मंत्री बिश्नोई पर मामले को दबाने के आरोप लगाए और पूर्व वन मंत्री के समक्ष ही मौजूदा वन मंत्री हेमाराम चौधरी से आग्रह किया भ्रष्टाचार की दबी जांच का सच सामने लाएं। इस मामले में बैरवा और सुखराम बिश्नोई के बीच जुबानी जंग छिड़ गई और आखिरकार वन मंत्री हेमाराम चौधरी के दखल से बहस पर विराम लगा। खाटू नरेश बाबा श्याम के लक्खी मेले का आज समापन। आज खाटू श्याम जी मंदिर के शिखर पर चढ़ा 374वां निशान, एकमात्र सूरजगढ़ का निशान चढ़ता है मंदिर के शिखर बंद पर। लाखों श्रद्धालु जगह जगह से निशान लेकर पहुंचते खाटू धाम। सूरजगढ़ के निशान की 374 साल से चली आ रही परंपरा, सूरजगढ़ का ये संघ निशान चढ़ाने के बाद लौटता भी पैदल। कल एकादशी पर बाबा श्याम ने किया खाटू नगरी का भ्रमण और बाबा श्याम पगड़ी पहनकर नीले घोड़े पर रथ पर हुए विराजमान। श्याम धनी की झलक की लटक में अटे खाटू नगरी के गली के रास्ते और दूर दराज से लाखों श्याम भक्त नाचते गाते पहुंचे खाटू धाम।
कल 11 लाख से अधिक भक्तों ने बाबा श्याम के दर्शन किए। तो कल एकादशी थी और एकादशी पर खास तौर पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं और कल बताया गया कि 11 लाख लोग पहुंचे खाटू नगरी। खाटू नरेश बाबा श्याम के लक्खी मेले का आज समापन है। तो आज खाटू श्याम जी मंदिर के शिखर पर चढ़ा 374वां निशान, एकमात्र सूरजगढ़ का निशान चढ़ता है मंदिर के शिखर पंथ पर। लाखों श्रद्धालु जगह जगह से निशान लेकर पहुंचते हैं खाटू धाम। सूरजगढ़ के निशान की 374 साल से परंपरा चली आ रही है। सूरजगढ़ का ये संघ निशान चढ़ाने के बाद लौटता भी पैदल है और कल एकादशी पर बाबा श्याम ने किया खाटू नगरी का भ्रमण। बाबा श्याम पगड़ी पहनकर नीले घोड़े और रथ पर विराजमान हुए। श्याम धनी की झलक की ललक में अटे खाटू नगरी के गली के रास्ते। दूर दराज से लाखों श्याम भक्त नाचते गाते खाटू धाम पहुंचे और कल 11 लाख से अधिक भक्तों ने बाबा श्याम के दर्शन किए।